नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने की चुनौती देने वाली याचिकाएं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर बड़ा बयान आया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से पेश जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच के कई सवालों को जवाब दिया। साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई तय समय नहीं बताया गया। वहीं केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को अध्ययन करने का प्रक्रिया चल रहा है, वहीं से पूरा होने में 1 महीने का समय लगेगा। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थाई है। वहीं केंद्र ने आगे कहा कि इसे पूर्ण राज्य बनाने के लिए काम जारी है। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में होंगे। SJ ने कहा कि पहला चुनाव पंचायत स्तर पर होगा, दूसरा नगर पालिका और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। बता दें कि सुनवाई के दौरान NC नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आतंकवाद से संबंधित घटनाओं पर केंद्र के डेटा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर लिए जाने का आपत्ति जताई। इस पर CJI ने सिब्बल को आश्वासन देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर केंद्र का डेटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जा रहा है, वह अनुच्छेद 370 के संवैधानिक मुद्दे को प्रभावित नहीं करेगा। बता दें कि याचिकाओं को विरोध करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। वहीं केंद्र ने कहा कि 2018 से तुलना में 2023 में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र ने कहा कि इसी के साथ घुसपैठ की घटना भी 90% तक कम हो गई है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पथराव आदि जैसी घटनाएं भी 97% तक कम हो चुकी है। वहीं सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की घटना में 65% की कमी आई है। आपको बता दें कि पहले की सुनवाई के दौरान अटर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने कहा था कि इतिहास में गए बिना इस मुद्दे को समझना मुश्किल होगा। इस दौरान उन्होंने 1950 में हुए चुनाव में पूरण लाल लखनपाल को चुनाव लड़ने से रोकने की घटना का जिक्र भी किया और आखिर क्यों उनके चुनाव लड़ने की राह में रोड़े अटके। वहीं वेंकट रमणी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मायनों में राजनीति एकता और संवैधानिक एकता में कोई अंतर नहीं है। वहीं 370 अस्थाई इंतजाम था, वो इंतजाम अब तक अंत पर पहुंच गया है।